तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन चलाते हो यार, अगर आपका मन है कि आप लोग डेबिट कार्ड EMI वाला जो ऑप्शन है ना उसका इस्तेमाल कर सको, लेकिन आपका जो है तो आपके पास SBI का जो है तो डेबिट कार्ड है, तो आप लोग उससे कैसे डेबिट कार्ड पर EMI कर सकोगे, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले फ्लिपकार्ट का बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट में जैसे हम लोग बैक आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्रेडिट वाले ऑप्शन में जब जाता हूँ मैं और डेबिट कार्ड EMI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बैंक ऐसे करके लिखे रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे यार कि यहाँ पर हमारे पास जो है तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI और जो तो थोड़े बहुत अलग अलग बैंक है, लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों SBI का बैंक नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप लोग फ्लिपकार्ट के अंदर डेबिट कार्ड EMI वाले ऑप्शन को नहीं इस्तेमाल कर सकते SBI का, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो। ठीक है, या फिर आपका SBI में अकाउंट है तो। उसके अलावा अगर आपके पास ICICI वगैरह है तो बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को बहुत ईजिली इसमें ICICI वाला ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखाया है लाइव शॉपिंग वगैरह, तो आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों अगर मान लो आपके पास इनमें से कोई अकाउंट है जो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग सिंपली से अपने नंबर 57575 और वाले नंबर पर कैपिटल लेटर्स में DCEMI करके जो है तो मैसेज कर सकते हो, और आपका आपका बैंक आपको बता देगा कि भाई आप लोग अवेलेबल हो कि नहीं हो, मतलब एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेजोन की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग अमेजोन के अंदर जो है तो SBI का अगर आपका अकाउंट है तो आप लोग डेबिट कार्ड EMI का फ़ायदा उठा सकते हो अमेजोन के अंदर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ बैंक है, HDFC, एक्सिस बैंक, जिसमें आपको SBI का बैंक दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास SBI के अंदर डेबिट कार्ड है, आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है, तो आप लोग सिंपली से यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों बस इसका क्राइटेरिया क्या रहता है कि अगर आप लोग अच्छे से बैंक में पैसा भर रहे हो और जो तो आपके बैंक में ठीक ठाक पैसा मेंटेन रहता है तो बैंक आपको एलिजिबल मान देता है। सिंपल सा मैटर फंडा ये है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों मैसेज करके दिखा देता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली से टाइप करना है 567676 और यहाँ पर मैसेज में क्या करना है बताता हूँ। कैपिटल लेटर में लिखना है DCEMI और फिर एक बार स्पेस देना है, और आपको आपका जो SBI का आपके पास खाता है ना, अकाउंट है, तो उसके चार डिजिट लास्ट के जैसे जो भी हो सकते हैं 1234 आपको करके सिंपली से मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद दोस्तों जो है तो आपके पास 4-5 दिन के अंदर कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पर ये भेजा है, यूर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू बैंक, यू विल शॉर्टली रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक। मतलब आपके पास ऐसे करके एक मैसेज आ जाएगा, और एक अगर आप लोग एलिजिबल रहोगे तो आपका बैंक आपको भेज देगा कि येस यू आर एलिजिबल एंड यू कैन शॉपिंग फॉर 20,000-30,000 जितने की भी शॉपिंग आप लोग कर सकते हो उसका आ जाएगा, और अगर नहीं कर पाओगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डेबिट कार्ड EMI ऑप्शन इन SBI बैंक। ठीक है दोस्तों, और ये कब होता है दोस्तों, जब वो जानता है कि भाई आप लोग जो है तो अपने बैंक में जो है अकाउंट में रेगुलर पैसे नहीं डाल रहे हो, और आपके बैंक में कभी 5,000 कभी 2,000 जो है तो लिमिट से भी कम रहता है, तब वो यार आपको एलिजिबल नहीं मानता। हाँ, अगर ये हो कि आपके बैंक में हर महीने पेमेंट सही तरीके से आए और आप लोग बैंक में 10-20,000 रुपये मेंटेन करके रखते हो, तो यार वो समझ जाता है कि एलिजिबल आदमी है, ये ले सकता है। ठीक है, आप लोग देख पाओगे दोस्तों कि मेरे पास जो EMI वाला ऑप्शन है इसमें मेरे को लिखा है गेट डेबिट कार्ड और कार्डलेस EMI ऑन ICICI बैंक। मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मैं जो तो ICICI बैंक के थ्रू जो है तो डेबिट कार्ड EMI लेने के लिए एलिजिबल हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे एलिजिबल रहोगे ना, आप लोग जो मैसेज करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जब आप भी आप लोग अपना बैंक अकाउंट इसके अंदर लिंक करोगे फ्लिपकार्ट के अंदर, तो आपके पास सिंपली से एक मैसेज आ जाएगा कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ दोस्तों, और मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा तो पूरा मतलब ऐसे सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद ऐसे करके मैं यहाँ से ICICI बैंक को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी टेन्योर करके कंटिन्यू कर दूँगा, और मेरा शॉपिंग यहाँ पे इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।